2013 में साइंटिस्ट को एक बड़ा सा मैग्नेट मियोन G2 मैग्नेट जिसका वजन 17 टन था और चौड़ाई 50 फुट और उस मैग्नेट को बिना किसी डैमेज के न्यूयॉर्क से अमेरिका यानी 5000 किलोमीटर दूर पहुंचाना था। अगर इस मैग्नेट का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता तो वैज्ञानिकों का वर्षों का मेहनत पानी में चला जाता, इसलिए जो भी करना था बहुत केयरफुली करना था। एक्चुअली इस मैग्नेट को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में बनाकर तैयार किया गया था जिसे अमेरिका के शिकागो में पहुंचाना था और इसलिए इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रक बनाया गया था और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 45 टन के मेटल के ऑपरेटर्स लगाए गए और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। सबसे पहले तो इसको हाईवे पार कराना था, इसलिए बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करके ट्रक को हाईवे पार कराया गया। उसके बाद इसको वाटरवे से जाना था, इसलिए इस मैग्नेट को बड़े से क्रेन से उठवाकर केयरफुली बार जो कि एक वाटरवे ट्रांसपोर्टर होता है उसमें चढ़ा दिया गया और सैकड़ों लोग और साइंटिस्ट के प्रयासों के बाद 37 दिन बाद जाकर ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा और इस डिलीवरी को करने में $25 मिलियन का खर्च आया था। बट इस इम्पोसिबल काम को भी साइंटिस्ट ने मिलकर पॉसिबल कर दिया था। वैसे क्या आप इसके बारे में जानते थे? नीचे कॉमेंट करके बताना।